सभी लोग आ जाइए जल्दी से। आइए सब लोग बिटाल लाइन जल्दी से, कट मत कीजिएगा। हाँ शिवम शुक्ला चलिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कट क्यों कर दिए थे बेटा? देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़े थे, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े नहीं तो। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए, ठीक है ना बेटा। ऑनलाइन नहीं शिवम पटेल, कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। चलिए नोट कीजिएगा बेटा, इसके बाद वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पे, नहीं एक दो बार समझ में आएगा तो बात बता देंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, आपका एक छोटा सा वीडियो और बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल देख लिया आपने, जीरो एन वन, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन डैश देखे, दीज आर फॉलोइंग, ठीक है ना, दीज आर फॉलोइंग। पहले वाले जो हमने पॉइंट लिखाया था उसमें अगर हम बोरान पे भी बमबारी करा दें तो 2He4 अल्फा पार्टिकल सही है, और इस पे हम बोरान की बमबारी करा दें, वो जो है किस पे, बोरान पर। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। और बोरान का जो है मास नंबर कितना होता है आपका बताइए? बोरान का मास नंबर 11 होता है, तो कितना बन जाएगा आपको? 0N1। क्या बन जाएगा आपका ये? 7। ये बनेगा, ठीक है ना। पहले वाले में बोरान आपका ये अल्फा पार्टिकल्स हो गया आपका, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गया, और अल्फा पार्टिकल्स का जब बोरान पर बमबारी कर दे तो 0N1 देखिए 7, 5 2 7 हो गया आपका, और 4 और 11 और 4 4 जो है 15, तो 14 और 15 ये हो गया आपका। तो आपका हमने अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी लिथियम पर और बेरिलियम पर बता दिया था, बोरान पर नहीं बताया, बोरान का ये होगा आपका। जब अल्फा पार्टिकल्स की बमबार जो है बोरान पे करा देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। तो इसको अलग से पहले वाले जो है मैं लिख लीजिएगा आपका, ठीक है ना। और ये आपका इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आप करेक्टर पढ़ते हैं, करेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, करेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करेक्टर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स में आपका जो होता है, ठीक है ना, पहला कैरेक्टर पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहला न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब जब जब पार्टिकल नेचर था ये आपका, कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो होता है न्यूट्रल स्पीसीज कहते हैं। न्यूट्रॉन आर, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रॉन्स आर, ठीक है ना, न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है ना, ठीक है। दीज हैव नो चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? दीज हैव नो चार्ज, ठीक है ना, दीज हैव नो चार्ज, दीज हैव नो चार्ज, दीज हैव नो चार्ज, ठीक है ना। हैंस, हैंस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर नॉट, नॉट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका कि आपका जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो आपका जानते पावर माइनस 24 ग्राम, दस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, ठीक है ना। फर्स्ट मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज, ठीक है ना, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, 10, ठीक है ना, 10 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 10 मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक। नोट कर लीजिए, इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड बताएं। नोट कीजिए बेटा, पॉइंट थर्ड बता, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, देयरफॉर ई बाई एम वैल्यू न्यूट्रॉन इज जीरो। भाई भाई आपका देखिए, अगर ई बाई एम, अगर आपका न्यूट्रॉन का ई बाई एम पूछेंगे आप, न्यूट्रॉन का तो मास होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, लेकिन मास जो होता है जीरो होता है, ठीक है, तो किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको, जीरो आएगा, यानी कि ई बाई एम रेशियो क्या होगा आपका न्यूट्रॉन का, वो जीरो होगा, ठीक है, ई बाई रेशियो न्यूट्रॉन का जीरो होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे न्यूट्रॉन है नो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, देयरफॉर E by M value for neutron is zero। कैसे जीरो होगा बेटा, E by M equals to क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो जीरो होता है, और जो मास होता है वो 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा इसको, ठीक है। तो एक चीज सभी न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा गया, सभी जो आइटम्स होते हैं, सभी आइटम में आपके न्यूट्रॉन होते हैं केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन एक आइटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन एक आइटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी आइटम में क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए, ठीक है ना, देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेवरल न्यूक्लियर रिएक्शन जानते ही हैं बेटा,
आइटम बम, हाइड्रोजन बम जो बनते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ सेवरल न्यूक्लियर रिएक्शन, सेवरल न्यूक्लियर रिएक्शन इट हैज, ठीक है ना, इट हैज बीन प्रूव, इट हैज बीन प्रूव, इट हैज बीन प्रूव दैट दैट न्यूट्रॉन, इट हैज बीन प्रूव दैट, प्रूव दैट न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन, इट हैज बीन प्रूव दैट न्यूट्रॉन, नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़े। ऊपर का मिटा दे रहे बेटा, इट हैज बीन प्रूव दैट न्यूट्रॉन, इट हैज बीन प्रूव दैट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इन ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह न्यूट्रॉन भी किसी भी एलिमेंट का या किसी भी आइटम का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है भाई। केवल हाइड्रोजन में तो ही नहीं होता है, बाकी जितने भी आइटम हैं सभी आइटम में न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह जो होता है आपका न्यूट्रॉन भी जो होता है किसी भी आइटम का या एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो आइटम होता है, आइटम जिस पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उसी पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, उसी पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका हमारा जो आइटम या एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, इसलिए, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा बेटा इसको, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर एक टेबल बना देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, हो गया नोट तो बताइए, आगे बढ़े बेटा, मिटा के आगे बढ़ाए, एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना लीजिए, ठीक है ना, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाइए हमारे साथ, ठीक है, एक दो तीन, तीन दो पांच और दो सात का नाम, सात इसको थोड़ा और मोटा करते, एक दो तीन चार, तो सबसे पतला ये, ये हो जाएगा आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए, ठीक है ना। चलिए यहाँ हो जाएगा नेम, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिंबल, ठीक है ना, इस कॉलम में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट चार्ज, अभी किसमें, कूलाम में, एब्सोल्यूट चार्ज किसमें, कूलाम में, यहाँ क्या हो जाएगा रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज, ठीक, रिलेटिव चार्ज के बाद मास, मास किसमें, वो भी केजी में, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा मास, एटॉमिक मास यूनिट में, मास होता है यू में। आपको हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया था बेटा,
जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल क्या होता है, AMU, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना होता है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये हमने आपको बताया था, वन एटॉमिक मास इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। मास हो गया आपका, और अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्स मास, AppRox, अप्रॉक्स मास, ठीक है ना, अप्रॉक्स मास, ठीक है ना, अप्रॉक्स मास, ठीक है, अप्रोक्स मास, ठीक है ना, अप्रोक्स मास, और ब्रैकेट में किसमें लिखेंगे, यू, यू का मतलब एटॉमिक मास है, ठीक। तीन एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, तो पहला आपका है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ई होता है आपका, प्रोटॉन का पी होता है, और न्यूट्रॉन का स्मॉल एन होता है, ये सिंबल होता है। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है आपका इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, वो -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो जीरो होता है आपका, ठीक। रिलेटिव जो मास होता है आपका इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, और प्रोटॉन का +1 होता है, इसका जीरो होगा आपका, ठीक। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.10⁻¹⁹ × 10⁻³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 
39 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। और आपका जो होता है प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67262 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, ठीक है ना। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67493 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, ये मास हो जाएगा। मास एटॉमिक मास में इसका कितना हो जाएगा, इसी को डिवाइड कर दिए किससे, ये जो नंबर आपके यहाँ इसी को डिवाइड कर दीजिए 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी किलोग्राम में बदल लीजिए, किलोग्राम में बदल करके इसे डिवाइड कर दीजिए आप 27 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा देखिए 0.003054 इतना आ जाएगा। इसका 1.00 1.00727 इसका आ जाएगा आपका 1.00008 68, ठीक। और ये आपका जीरो आ जाएगा, ये वन होगा, ये वन होगा। इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब इसके आगे हम जो है आपको कल पढ़ाएंगे, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम कोई पूछ लीजिए, नहीं तो आगे आप जो है शाम को पढ़ाएंगे या कल आपको पढ़ाएंगे इसके आगे, ठीक है ना। बोले बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, जितना हमने आज को पढ़ाया आपको, किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है आपके पास 2-4 मिनट टाइम है पूछ लीजिए, ठीक है। शिवम पटेल बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम,
क्लियर दिख रहा है बेटा?